जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट 2019 दिल्ली पुलिस में आया है। इसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आज 17th डेट को ही आई है, 17 सितंबर 2019। इसके लिए जो पोस्टर्स निकले हैं दिल्ली पुलिस में वो है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट निकले हैं। अब हम बात करेंगे इसके लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी हमारी क्या रहेगी, उसके सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास जो पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। स्टाफ सर्विस कमीशन एसएससी ने ये पब्लिकेशन दी है नोटिफिकेशन के बारे में, और इसके लिए आपको क्या करना है, हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करना है। उसके लिए बाद आपको थोड़ी सी प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले अगर हम वीडियो को आप देख रहे हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहिए। आइए अब बात करते हैं कि ये है हमारी नोटिफिकेशन जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दी हुई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 17 से आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट्स के लिए। अब बात करते हैं हमें इन चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें जाननी है पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती रहेंगी इसके लिए, और वैकेंसी डिटेल्स किस तरीके से रहेंगी, कितने पोस्ट्स रहेंगे और किस तरीके से रहेंगे। तीसरा चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक बच्चा के पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए तब वो अप्लाई कर सकता है। फोर्थ चीज़ जो हमारे पास होगा वो होगा हाउ टू अप्लाई, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और फिफ्थ चीज़ होगा कि हम पढ़ाई कहाँ से करेंगे और किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। और यहाँ पर जेके एग्जाम्स की टीम ने आपके लिए एक स्पेशल पैकेज लाया है, 30 डेज में हम आपको पूरा कोर्स कम्प्लीट करवा देंगे, एंड दैट टू विल बी फ्री ऑफ एनी कॉस्ट ऑन अवर चैनल। आपको खाली करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे आने वाले वीडियोस के। अब बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो है अप्लाई करने का डेट जो है 17/9/2019, मतलब आज के डेट से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो 17 सितंबर 2019 से। और जो एडमिट कार्ड रिलीज होने का डेट है वो अभी ऑफिशियल साइट पर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, और उसके बाद रहता है CBT का एग्ज़ाम, जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, वो भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है उसका डेट। अब दूसरी चीज पे बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स। देखो, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज डिफरेंट तरीके से निकलेंगे, मेल के लिए अलग से वैकेंसीज होंगे और फीमेल्स के लिए अलग वैकेंसीज होंगे। इसके लिए अब पोस्ट को देखते हैं, पहले पोस्ट कौन कौन सा रहेगा। एक तो रहेगा आपको सब इंस्पेक्टर, दूसरा रहेगा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर SI, CAPF और CISF के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट भी हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो है सब इंस्पेक्टर GDIN CAPFS, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर GDIN CAPFS में सिक्स्थ लेवल सिक्स आपका रहेगा, वो नियरली 35,400 और 1,12,000 के 12,400 के आसपास रहने वाला है। अब अगर बात करेंगे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो उसके लिए आपको लेवल सिक्स का ग्रेड पे रहेगा, और उसके लिए आपको अगर सैलरी की बात करेंगे 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहने वाला है। अब अगर बात करेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो उसके लिए आपको लेवल फिफ्थ का रहेगा, वो 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में रहने वाला है। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखो, बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है, किसी के पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री जो होगी वो एलिजिबल है, चाहे वो उसने टेक्निकल फील्ड से की हो या किसी और फील्ड से की हो, बट बेसिक ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसके लिए बात अगर करेंगे, एज लिमिट आपका क्या रहेगा, 20 से 25 ईयर्स के बीच में एक कैंडिडेट होना ज़रूरी है। बाकी अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स उसकी रिजर्वेशन मिल सकती है। अब बात करेंगे इसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। इसमें तीन प्रोसेसेस आपको क्लियर करने हैं। पहली चीज जो होगा वो है होगा CBT, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, उसमें आपको टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, वो आपको क्वालिफाई करना है। थर्ड चीज जो आपको होगा वो होगा आपको मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। वो एग्जामिनेशन इस तरीके से नहीं होगा कि आपको कोई पेपर देना है, बट आपकी बॉडी का एग्जाम किया जाएगा। फिजिकल आपका क्लियर होना चाहिए, और पहली बात आपको रिटन टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड वो आपको क्लियर करना है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फी, इसका फ़ी कितने रहने वाला है। बहुत ही सस्ता रखा हुआ है इस वक्त इन्होंने, ऑनली आपको 100 रुपीज़ पे करना है एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। ये थी डिटेल जानकारी इसके लिए, जो चीज़ें आपको ज़रूरी थी, और आज से ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब रही बात आप स्टडी कैसे कर सकते हो, हमारी इस चैनल पर एक हमारा जो पूरा टीम है वो आपको 30 डेज़ के अंडर CBT
के लिए पूरी तरीके से सिखाएगा किस तरीके से पेपर आने वाला है और आपको कौन कौन से टॉपिक ज़रूरी पढ़ने हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए होती है वो होती है स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी सिखाएंगे इस चैनल पर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिए ताकि ये वीडियो मतलब सब लोगों के पास पहुँच जाए और आपको भी फ़ायदा हो, आप यहाँ से आगे वाले वीडियोज़ देखते रहे। अब बात करते हैं लास्ट में, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेके एग्जाम्स।